हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएस लाइव्स। और आज है हैप्पी। आज क्या है तो गाइस, आज है 17 फरवरी और कल है 18 फरवरी, यानी कि शिवरात्रि का दिन। और बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती और किसकी की शादी हुई थी, भगवान शंकर की। तो गाइस यही वाला सच है कि तुम ऐसे ही बोलती हो। शिवरात्रि में वाकई शादी में तुम्हें बताई हो, मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं गाइस, शादी है ये मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि शिवरात्रि है। तो गाइस शिवरात्रि है और इसमें बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने जरूरी हैं। और हैप्पी देखिए अपना बाबा भोलेनाथ का तैयारी अभी कर रही है और मैंने तैयारी कर लिया है और मैं प्लान बना चुका हूँ कि सीधे काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन किया जाएगा। क्यों? और गंगा माँ का दर्शन करके उनमें डुबकी लगाया जाएगा, अपने पाप पुण्य धो लिया जाएगा अभी तक जो कि कुछ भी किया गया है, और आगे से फिर पाप करने के लिए मोटरी खाली हो जाएगी। तो गाइस तैयारी चल रही है, हैप्पी अपना अब कल व्रत रहेगी तो अपने कुछ फलावर बना रही है। और अभी थोड़ी बहुत पैकिंग हो चुकी है, थोड़ी बहुत पैकिंग होनी है और पैकिंग करने के बाद हम लोग निकलेंगे बाबा विश्वनाथ धाम। तो गाइस अपनी तैयारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है और ये है अपना वो बैग, शानदार जैसे लग रहा है 2-4 करोड़ का बैग है, इसे तो कोई उठा ले जाएगा। और इस बैग में ये हैप्पी का हथियार, कौन सा हथियार है, इसमें है RDX गोला। कल नवरात्रि का व्रत रहेंगे तो इसमें फलहार है, टिफिन, और इसको रखो, चार्जर रख लियो ना, पैंट वेंट एक सेट रखना, एक दिन के लिए रहना है तो एक ही सेट पे है, ठीक है। और इसमें जाएगा मेरा टैबलेट, क्योंकि टैबलेट मस्ट है। और ये अपना हरबा हथियार, एक और हथियार है, ये मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग गैस करिए और गैस करके मुझे कमेंट करिए। चार्जर निकाल लूँ मैं, चार्जर रख लूँ बोल तो रही हूँ मैं। तो ये वाला नहीं होगा ना, ये भी है, वो भी है, दोनों है, ठीक है। तब तो हो जाएगा मेरा काम। इसको रखो मत, ऐसे ही बाहर रख लो, फिलहाल रख देते, टूट जाएगा ना वहाँ मोड़ पे है तो ऐसे ही रख लो। कवर तो वो तो लगेगा ना कवर। चलो अभी खाना वाना सब पैक हो गया, अभी हम लोग आएंगे, खाने पीने की व्यवस्था करेंगे ना। अभी तो टाइम क्या हो रहा है, करीब 8:30 हो रहे हैं ना, अभी तो भरपूर टाइम है। अभी थोड़ा सा कुछ काम याद आ गया है, एक फोन आ गया तो चलते हैं, थोड़ा सा वो काम निपटाते हैं, फिर उसके बाद आते हैं तो शाम का डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद ऑटो को बुलाते हैं, क्योंकि ऑटो को बोल दिया वो आ जाएगा टाइम से, फिर निकलते हैं। हम लोगों की ट्रेन है लगभग 11 बजे की और अभी बज रहे हैं 8:30, तो हमारे पास कितना टाइम है, लगभग 8:30, 9:30, 11, 3 घंटे, 2.5 घंटे अप्रॉक्सीमेटली, 2.5 से 3 घंटे का टाइम है। तो चलते हैं, देखते हैं फोन तुम्हारा यहीं छूट गया। अरे देख लेना भाई, कोई बात नहीं, दे देंगे, नेट के लिए क्यों परेशान हो इतना। आओ जूता के चप्पल पहन चल जाएंगे ना, वहीं तो जाना है। अरे तो कौन सा बड़ी चीज है यार, इतने दूर जाने का। अभी फिर कल तो मैं ये सोच रहा हूँ ना, यही चप्पल पहन के जाऊँ क्योंकि सही रहेगा। ये पकड़ो, ये तो लाइट हमको लगा बनेगा नहीं क्या कभी। कितना अंधेरा है। पीछे आगे रखी हो क्या, देख रही हो, है गैप भरपूर में, खंबे किधर किया हो ना, तो वो तो बदमाश आई है आगे लगेगा भड़बड़ाने। तो गाइस हम लोग बाहर से आ चुके हैं घूम घाम के और अब टाइम हो चुका है डिनर करने का, प्रॉपर डिनर कर लेते हैं। और चूंकि एक ऑटो वाले भैया मिल गए, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हम आपको छोड़ देंगे, क्योंकि चलो यार थैंक यू, नहीं तो किसी ना किसी को कहना पड़ता गाड़ी से लेके चलो ड्रॉप करो फिर गाड़ी ला के रख देना, वो आसान हो गया। खाना तो रेडी होगा, पूरी उड़ी बनाई हो गया,
बनाई हमको ऐसा लग रहा है इसमें पूरी दिख रहा है हमको मटर पनीर सब्जी चावल ये तो हमारा फेवरेट चीज है निकल लेके तो हमारा अब ये बैग इधर तो कुछ है नहीं ले जाना फोन है ये मेरे पास ये यहाँ है और चलते हैं इसको रखते हैं यहाँ ताकि कुछ भूलेगा तो याद आएगा। तो फाइनली हम लोगों ने अपना डिनर कर लिया है और सब फटाफट बैग भी रेडी हो चुका है। बैग तो मैंने बाहर रख ही दिया है ऑटो वाले भैया आते ही होंगे करीब 10 बजने वाला है तो अभी फटाक से हम लोग ऑटो पकड़ते हैं निकलते हैं रेलवे स्टेशन। टाटा 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 क्या होता है क्या करोगे साल लेके तो अरे ठीक है उतना बड़ा जैकेट पहनी हो क्या और तुम एसी टूटियर में बैठोगे तुमको ठंडी लगेगा। चलो बैग उठाओ ये बैग मैं यहाँ रख दिया हूँ आ जाओ। रेडी हो करके हम लोग यहाँ बैठ के इंतजार कर रहे हैं अब ऑटो आ जाए फटाक से निकला जाए। तुम तो एकदम हीरोइन लग रही हो। तो चूंकि कल है शिवरात्रि तो प्लान ये है कि हम लोग अभी आज ट्रेन से निकलेंगे और कल सुबह मॉर्निंग में पहुंच जाएंगे और मॉर्निंग में यहाँ जाएंगे गंगा नदी और वहाँ पे हम लोग नाव लेकर के उस पार जाएंगे और वहाँ पे हम लोग स्नान करेंगे जल लेंगे और शिव जी को चढ़ाएंगे विश्वनाथ बाबा को और उसके बाद ये करीब 12 बजे तक प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा वो भी ब्लॉग मिलेगा आपको लगे रहिए। और उसके बाद से फिर हम लोग एक दो जगह वहाँ पर कोई भी कैब या ऑटो जो भी मिलेगा उसको बुक करके हम लोग दो तीन जगह जो भी एक मानस तुलसी करके है मानस मंदिर फिर विश्वनाथ जी जो अंदर भी एचयू के अंदर है लंका है तो ये सब जगहों पे हम लोग दो तीन जगह देख लेंगे दिन भर और शाम के 7-8 बजे हो जाएगा फिर रात में फिर से ट्रेन है पकड़ लेंगे वापस आ जाएंगे। तो अभी देखिए वेट कर रहे हैं 10 बजने वाला है ऑटो वाले भैया आते ही होंगे अभी फ़ोन आ ही रहा होगा। इसको ताला बंद क्योंकि मैं तो ताला बंद नहीं कर पाऊंगा मैं तो बैग पकड़ा हूँ। ग्यारह बजे है हाँ भाई चोरी चोरा है हाँ तो इधर ही जाना है साल पहले 3 जाती थी ना चलिए कोई बात नहीं कहीं भी जाए वहाँ पहुँच जाते हैं। स्टेशन पहुंच चुके हैं और एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जब अगर आप 4-व्हीलर पे चलने की आदत हो वो भी क्रेटा जैसी गाड़ी पे और अचानक से आपको जब ऑटो का सहारा लेना पड़े इमरजेंसी में तो जो झटके लगते हैं ना ब्रेकर के वो बड़े ही आरामदायक हो।
आप ही होगा इधर जाएगा मैं बता रहा हूँ अभी नहीं नहीं मैं आइडिया नहीं अभी गाड़ी चल नहीं रही है ना अभी लगभग मान के चलो कि 10 मिनट और 10 11 20 देखो 11:19 हो गया अभी दो मिनट का टाइम वही मतलब एक दो मिनट निकलना चाहिए पता नहीं क्यों लेट कर रहा चल तो दिया गाड़ी हिल गई गोइंग टू बनारस और बनारस में मिलेंगे भैया काशी बाबा